इस केस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस देन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। तो बेस को जो डिफिनेशन है कि 10 सब्सटेंसेस विच रिएक्ट्स विथ एसिड एंड साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज बेस, उसी को हम लोग बेस कहते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कलीज, बेस और अल्कलीज में क्या फर्क है? आर्यन बताओगे बेस और अल्कलीज में क्या फर्क है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कलीज? कल हम लोग डिस्कस किए थे इसको, बेस और अल्कलीज में क्या फर्क है? बोलो आर्यन, सुनाई दे रहा है? बेस और अल्कली में क्या फर्क है? हाँ बोलो। जोर से बोलो, सब अपना अपना वीडियो ऑन करो। बेस और अल्कलीज में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? सर बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो दैट मीन्स अल्कली जो है आउट ऑफ बेसिस में से ही है, यानी जो विच आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। और बेसिस जो है सम बेसिस मे बी सॉल्युबल इन वाटर एंड सम बेसिस मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, यानी कुछ सॉल्युबल भी हो सकता है कुछ नहीं भी हो सकता है। ओके तो आपको ये बता, अब देखो ये अल्कलीज और बेस ये दोनों में हम लोग डिस्कस कर चुके है ना। अब डिस्कस करना है हमें इंडिकेटर्स के बारे में। मैंने पहले ही बताया कल कि आप सारे एसिड को टेस्ट करके हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, वह मे भी हमें डैमेज कर देगा। जैसे मैंने कहा कि टेस्ट एसिड का जो टेस्ट है वह सावर होगा, खट्टा होगा, वेरैज बेसिस का टेस्ट जो होगा वह बीटर होगा। तो सारे एसिड्स को अगर हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, हम फाइंड आउट करेंगे कि एसिड है या बेस है, तो उसमें मे भी हमारा टंग बर्न कर सकता है, डैमेज हो सकता है, क्योंकि कुछ एसिड्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं, जिसका काम है वो जलाने का भी काम करता है। जैसे घर में भी हम लोग एसिड का यूज करते हैं, जो इन्वर्टर रखता होगा उसके बैटरी में जो है वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एक चीज़ और मैंने बताया था प्रिकॉशन मेंटेन करने के लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पर मैंने दो तरह के एसिड्स बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्क यानी कंसंट्रेट एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो आपको सर डाइल्यूट, हाँ बोलिए क्या सर, ये ओनियन में एसिड होता है या बेस, ओनियन में एसिड होता है या बेस होता है? ये टेस्ट करके देखो है ना, उसमें टेस्ट में आपको क्या आता है, हर एक चीज में कोई जरूरी है कि एसिड ही होगा कि बेस ही होगा, यानी हर एक ऑर्गेनिक में मटेरियल आप खोजेंगे तो उसमें जरूरी है उसमें भी एसिड ही होगा। ओके सर, जैसे कि कोई सर मधुमक्खी वगैरह काटता है तो उसमें ओनियन लगाया जाता है, तो मधुमक्खी के स्टिंग में तो एसिड होता है, तो सब अगर आपको ओनियन, एक मिनट, अगर कोई मधुमक्खी काटा, देखिए एसिड का काम है कि वह इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा, बर्निंग करेगा। जैसे आप ज़्यादा खा लेते हैं है ना, तो उसको डाइजेशन के लिए आप पढ़े होंगे बायोलॉजी चैप्टर में
आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आपके स्टोमिक में ऑलरेडी पाया जाता है, कुछ एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, है ना। तो उस केस में आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज कर जाता है, जिससे आपको गैस फॉर्म करता है, फिर कहीं ना कहीं पेन क्रिएट करता है ना। तो वह केस उस जगह आप क्या करते हैं कि कोई ना कोई बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यहाँ यूज करते हैं हम लोग, कि बेस का यूज करते हैं, इनो का। जैसे आपने अभी कहा कि कोई मधुमक्खी वगैरह काट लिया, बीज वगैरह काट लिया, तो काटने पर वह क्या करता है, उस समय वह एसिड रिलीज करता है अपने बॉडी से। वह एसिड आपके बॉडी में इंटर कर जाने पर वहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा, यानी सूजन क्रिएट होगा, जलन होगा। तो उस जलन को शांत करने के लिए जो फास्ट एड है, वह फास्ट एड में आप क्या करते हैं कि कोई बेस वहाँ पर साबुन रगड़ दीजिए, या टूथपेस्ट कोई लगा दिया, है ना, या आपको बेकिंग सोडा रगड़ दिया। कोई कोई घर में घरेलू उपचार करता है तो लोहा रगड़ दिया। वहाँ पर लोहा का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो बेकिंग सोडा लगाना या टूथपेस्ट लगाना या आपको साबुन से रगड़ देना, वहाँ पर साइंटिफिक रीजन ये है कि वह बेस है, उससे वह रिएक्ट करके है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ना। तो आप जो बोल रहे हैं, अगर ओनियन रगड़ के सर आपको इंटरनेट पर लिखा हुआ है कि रिलीफ ओनियन मिलता है, बेस एक मिनट वेट सर के रहिए। एसिड होता है। हाँ क्या बोले सर फिर, इंटरनेट पर लिखा हुआ है कि ओनियन में एसिड होता है। वो तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन आप कहते हैं कि ओनियन लगाने पर रिलीफ करता है ना, इस पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर रिलीफ करेगा तो वहाँ जो कंसेप्ट है वह आपको क्या काम करेगा, क्योंकि वह कोई भी बीज काटा तो वह एसिड को रिलीज किया है ना, एसिड के कारण आपको बर्निंग या इन्फ्लामेशन क्रिएट हो रहा है। तो अगर ओनियन से रिलीफ मिल रहा है तो बेस होना चाहिए, है ना। और एक चीज़ और है, हमारे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं उसमें एसिड पाया जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर में जाते ही वह बेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप लेमन है, लेमन में आपको सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है ना जी। लेकिन आप देखते होंगे कि कोई भी लेमन का कहता है कि अब सुबह में नींबू पानी पियो, है ना सर। अभी जो है कोरोना के चलते विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, तो उसमें आपको नींबू का ज़्यादा यूज करने के लिए बोलता है। तो नींबू में एसिड है, तो अगर ज़्यादा एसिड यूज करेंगे तो हमें इन्फ्लामेशन क्रिएट होना चाहिए, गैस फॉर्मेशन करना चाहिए, पेन होना चाहिए। लेकिन नींबू में ये खासियत है कि वो बॉडी के अंदर जाते ही वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ऐसे ही ओनियन में आपको एसिड पाया जाता है, अगर वो रिलीफ मिलता है। मुझे नहीं मालूम है कि वो रिलीफ मिलता है या नहीं, है ना। अगर रिलीफ मिलता है तो दैट मीन्स वो बॉडी के अंदर जाते ही वो बेस में कन्वर्ट कर जाता होगा। जिस तरह से एसिड आपको लेमन है, लेमन जूस है ना, लेमन जूस जो है एसिड है। अगर ये एसिड हमें अलग से कोई एसिड अगर हम पी लेंगे तो हमें नुकसान ही पहुंचेगा, है ना। मतलब वो आपको कहीं ना कहीं गैस फॉर्म करेगा, इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि एक्सेस एसिड हो जाने पर आपको यही होगा, पेट फूलेगा, गैस फॉर्म करेगा। तो वहाँ पे नींबू पानी पी डाइजेशन के लिए भी कोई कोई यूज करता है, गैस्ट्रिक ठीक करने के लिए भी यूज करता है, इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी यूज करता है कोई कोई। ओके, तो वहाँ यानी कुछ ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज है, जो फूड्स है, फ्रूट्स को एंटीबायोटिक क्यों कहा गया है, इसी कारण से। तो वो आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और वह बाहर में उसका कुछ यूटिलाइजेशन है, बॉडी के अंदर जाते ही वह उसका दूसरा रूप भी बदल जाता है कुछ चीज़ों का। ओके, कुछ समझ में आया, और कोई शुभ नारायण, क्लियर हुआ डॉट, शुभ नारायण। कहाँ चले गए, क्लियर हुआ शुभ नारायण, बंद हो गया, म्यूट हो गया जी। अनन्या क्या प्रॉब्लम है, अनन्या क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट वेट वेट।
सुबनारायण कोई प्रॉब्लम क्लियर हुआ? सुबनारायण क्लियर हुआ? चलो ठीक है अनन्या, बोलो बोलो, जोर से बोलना है प्लीज, आवाज कम आ रही, बोलो। तो वह नेचुरल वॉकिंग है ना जी, आप देखते हैं कि आप वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, जिस दिन कोई फास्टिंग में रहता है और उस दिन स्पिनच पालक का सब्जी बनाएगा, उसमें भी नेचुरल वे में साल्ट पाया जाता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स में नेचुरल वे में साल्ट का अमाउंट बहुत कम रहता है, तो नेचुरल वे में जो मिला है, आप जो न्यूट्रिएंट्स खोजते हैं कि इसमें हम ये जो चीज़ खा रहे हैं उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कौन से विटामिन है ना, इसको आप सर्च करते हो ना जी, आप खाते होंगे तो उसमें ये भी ध्यान रखता होगा कि नहीं हम ये खा रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, उसका एडवांटेज क्या है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो वहाँ पर वह गॉड गिफ्टेड है साल्ट, उसमें सी वाटर में, फिर रिवर में क्यों नहीं साल्ट मिला, पॉन्ड्स में क्यों नहीं मिला, है ना, तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में साल्ट का है ना, तो उसमें आप ये कहेंगे कि एसिड बेस रिएक्ट किया तब साल्ट बन गया, ऐसा नहीं होता है। ओके क्लियर? हाँ, और किसी को, और कौन है, एक ये कौन है, अनन्या ही थी ना, तो हाथ डाउन करो, आप जब आंसर मिल गया तो हैंड्स डाउन करो। चलो और किसी को कोई प्रॉब्लम, और किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे, अनुष्का आपने, अनुष्का कहीं ज्वाइन कर लिया है, वह आपने एडमिशन नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ है, मैं आता दूंगा, अनुष्का सुनाई दे रहा होगा, अनुष्का देख, तुम लोगों में से जो देख लिया है उसको अल्टीमेटम दो कि अपना नेम, रोल नंबर, ये सब मेंशन होना चाहिए, नहीं तो रिमूव कर दिया जाएगा, है ना, देख रहे हो कोई ज्वाइन कर लिया है अनुष्का नाम करके, ठीक है तो देखते हैं, मिला अवनीत, व्हाट आर यू डूइंग अवनीत कुमार, वीडियो ऑफ करो, अवनीत ठीक से पढ़ने के लिए बैठो, नहीं तो बहुत सारे टीचर्स आजकल यूनिफॉर्म में कहते हैं पढ़ने के लिए, तो उसी में जो भी ज्वाइन करेगा इट इन्फॉर्म रहेगा, तब है ना, तुम भी अवनीत, अवनीत कुमार भाग गया। चलो तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, तो मैंने कह रहा था कि जो भी एसिड हो या बेस हो उसको हम टेस्ट करके ये फाइंड आउट तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें डेंजर है कि वह आपको जो स्ट्रांग एसिड होगा, जो कॉन्क होगा, वह आपको क्या करेगा, नुकसान पहुंचा देगा, यानी वह डैमेज कर देगा वहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर जो है, इज ए सबस्टांस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एन एसिटिक एसिड एंड बेसिक मीडियम, यानी ये एक तरह से कोई सबस्टांस है जो एसिडिक या बेस में डालेंगे उसके कलर्स चेंज हो जाएंगे। अवनीत कुमार अनम्यूट नहीं हो रहा है ये गदर, अवनीत यस सर, तो तुम इतना देर से वीडियो ऑन करके क्या कर रहा था,
वो सर उधर सर रूम में आ रहे हैं। तो तुम पहले तब वीडियो ऑफ करके तब करना चाहिए, तुम्हें देख रहा है दुनिया और यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा तो दुनिया देखेगा तुमको। यूट्यूब पर आपको रिकॉर्डिंग डाला जा रहा है ना जी, तुम अपने फेस को बॉडी लैंग्वेज को सही ढंग से रखो ना तो पूरा दुनिया देखेगा, है ना। तो बी अलर्ट, सावधान हो जाओ। सुधांशु, सुधांशु कहाँ है? सुधांशु क्या प्रॉब्लम है बोलो। सर पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए सर। आप टेबल फोर एसिड बेस और साल्ट ही ना पढ़ा रहे हैं, तो अभी तक क्या लगा तुमको पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, अभी ज्वाइन हुए थे तो नहीं पता चला। तो कल कहाँ थे? और ज्वाइन करने से पहले उसमें टॉपिक का भी नेम लिखा हुआ रहता है, एसिड बेस सॉल्ट टॉपिक भी लिखा हुआ है। और दुनिया देखने लगेगा, कहेगा कैसा स्टूडेंट है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, है ना। तो बी अलर्ट, वो आप सोचो, अपने आप इमेज मत खराब करो स्कूल के, आपके साथ स्कूल का इमेज भी खराब हो जाएगा। ओके, तो आप ये इंडिकेटर, मतलब इट इज ए सबस्टांस विद सोल डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेस मीडियम, यानी अगर हमने इंडिकेटर का काम ही है वो, जैसे हम लोग रेड कलर देखते हैं जहाँ भी रेलवे वगैरह में, तो रेड सिग्नल अगर दिया दैट मीन्स डेंजर है, ग्रीन सिग्नल यानी आपको स्टार्ट होने वाला है गाड़ी, या आप रेड कलर देखते हैं तो इधर से गाड़ी जा नहीं रही है, यही हम सोचते हैं। उसी तरह से जो इंडिकेटर है वह उस वो अपना कलर चेंज कर लेता है, है ना। और एसिड का मतलब ही आपको दिमाग में ये एडजस्ट करना है कि इट इज ए डेंजर, है ना। तो डेंजर कलर कौन होगा? रेड। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, है ना। लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर है जो आपको ये पेज नंबर 48 में दिया गया है, कहता है कि लिटमस कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर और इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीचेंस एंड इज पर्पल इन कलर। तो लिटमस जो है कलर में आपको पर्पल होंगे और ये लीचेंस से लिया गया है, है ना, ये लीचेंस से प्राप्त किया जाता है। ओके, ठीक है। सुधांशु झा, तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया तो बंद करोगे, रेज हैंड्स को डाउन करो, ठीक है। तो ये इट्स कलर चेंजेस टू रेड इन एसिडिक मीडियम, मैंने अभी अभी याद करने के लिए आपको पास एक टेक्निक बता रहे हैं कि चूंकि एसिड डेंजर होता है, जैसे आप देखते होंगे कि बैटरी में दो तरह के टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को आपको रेड कलर से इंडिकेट करता है, ऐसे ही घर में भी वायरिंग किया जाता है, अगर सही ढंग से वायरिंग करेगा तो लाइव वायर जो होगा वो आपको रेड कलर की होनी चाहिए। वैसे कोई भी कलर को डालेगा करेंट रन करेगा, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार, चूँकि लाइव वायर से टच करने पर डेंजर हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, तो वहाँ पे बिना टेस्ट के हुए हम देख जान सकते हैं कि ये रेड कलर है, तो दैट मीन्स इससे करंट लाइव यानी गर्म जो है ये गर्म तार है, ये लोग अपने जनरल लैंग्वेज में यूज करता है, गर्म है ये ठंडा है। तो जिसको हम लोग साइंटिफिक वे में लाइव और न्यूट्रल की बात करते हैं, लाइव न्यूट्रल और अर्थ, वैसे ही एसिड जो है वह डेंजर है। तो उसको अगर लिटमस पेपर नेचुरल कलर है लिटमस का पर्पल कलर, अगर वह एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो रेड कलर में अगर चेंज हो जाता है, इट मीन्स वह मीडियम जो वह सबस्टांस है वह क्या है? एसिड है। अगर रेड लिटमस पेपर को हम किसी सबस्टांस में डालें और वह ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब वह बेस है, यानी लिटमस पेपर के पहले कलर को हम चेक कर लेंगे
अगर रेड लिटमस पेपर को डाला, कोई चेंज नहीं आया, रेड ही रहा, तो वह एसिड था। अगर रेड लिटमस पेपर को डाला, हाँ बोलो वैश्वी सागर बोलो, जब लिटमस पेपर चेंज करता है कलर तो वो लिकेन से ऑब्टेन होता है, तो लिकेन भी तो कलर चेंज करेगा। हाँ, तो लिक्विड से वह बनाया गया है, वह स्पेशली एक तरह से पेपर होता है। लिटमस पेपर नाम इसलिए दिया कि आप वह मार्केट में मिलता है, आप जो लैब वाले जो दुकान है, जैसे आपको पटना में अशोक राजपथ में मिलेगा लैब टेक की सामान से, तो उसमें आप पेपर की तरह मिलेगा, जैसे टिशू पेपर होता है ना जी। आप जाते हैं कहीं पर ट्रैवलिंग करते हुए तो आपको टिशू पेपर मिलेगा। आजकल कोरोना के चलते एसडीजी कर रहा है, तो वह टिशू पेपर से पोंछ के फेंक दो। वैसे ही आपको हाथ साफ करने के लिए भी टिशू पेपर टाइप का मिलता है ना, तो उसी तरह से लिटमस पेपर भी पेपर टाइप का मिलेगा है ना। उसको आप डालिए, अगर कलर चेंज हो गया, अब किस कलर में चेंज हो गए, तो आप पहले किस टाइप का लिटमस पेपर लिया, किस कलर का, अगर ब्लू लिटमस पेपर लिया और एसिडिक मीडियम में डाला, अब ये तो पहले आपको फाइंड आउट नहीं होगा कि एसिड है या बेस है, तो आप उसमें डालेंगे, अगर वह कलर रेड में चेंज हो गया तो यानी वह एसिड है। ओके, अगर रेड लिटमस पेपर को अगर हम सब्सटेंस में डालें या कोई भी मीडियम में डालें, अगर वह ब्लू कलर में चेंज हो गया तो वह बेस है ना। तो ये लिटमस पेपर के बेसिस पर आप एक लिटमस पेपर एक तरह से इंडिकेटर हुआ, जिसके तरह हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है, जो आप एक्टिविटी वन और एक्टिविटी टू में दिया हुआ है। एक्टिविटी वन में आपको नींबू का यूज किया है ना। एक्टिविटी वन को पढ़िए अपना अपना, उसको एक्सप्लेन करना है। चलो अवनीत पढ़ लिया, शुभनारायण क्या प्रॉब्लम है बोलो। सर हाँ, नहीं एक्सप्लेन करना एक्टिविटी वन। हाँ तो एक्सप्लेन करो, जोर से बोलो। सर लेमन जूस लेना है एक बाउल में, और लिटमस पेपर ब्लू कलर का लेना है, और उसको लिटमस पेपर को उसमें डिप करना है। अगर उसका हम लोग देखेंगे कलर उसका रेड चेंज हो गया, ये इंडिकेट करता है कि लेमन जूस में एसिड होता है। वेरी गुड। चलो ये वैश्वी सागर था ना जी, तभी विराट, चलो एक्टिविटी टू को एक्सप्लेन करो। विराट जोर से बोलना है, स्पीकर को ठीक रखो, बोलो बोलो। ठीक है, और कौन है अनन्या? तो एक ही लिटमस पेपर से हाँ बोलिए, एक्सप्लेन करना था। हाँ बोलिए, एक्सप्लेन कीजिए दोनों को एक साथ, एक्टिविटी वन और टू एक ही साथ कीजिए। तो थोड़ा सा लेमन जूस लेना है पेट्री डिश में, और उसमें एक ब्लू लिटमस पेपर को डिप करना है, जो लिटमस पेपर का कलर है वो रेड में बदल जाएगा क्योंकि लेमन जूस में एसिड होता है, और एक थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन लेना है पेट्री डिश में, और उसमें रेड लिटमस पेपर डिप करना है, और जो लिटमस पेपर का कलर होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा क्योंकि सोप सॉल्यूशन में बेस होता है। ठीक है, चलो देखो
तो यानी हमने एक इंडिकेटर लिटमस के बारे में डिस्कस किया, दूसरा नेचुरल इंडिकेटर के रूप में हम लोग टर्मरिक का यूज करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कहीं पार्टी फंक्शन वगैरह में आप गए, वहाँ खाना खा रहे होंगे, इनकेस किसी का डिश आपके बॉडी से टच कर गया, आपके कपड़ा से, आपके कपड़ा में वह चीज़ लग गया, सब्जी वगैरह, तो उसमें देखते होंगे कलर टर्मरिक का कलर पीला पीला लग जाता है, दाग स्पॉट बन जाता है ना जी। उसको आप जब साबुन से धोते हैं तो किस तरह का कलर में चेंज हो जाएगा? आपके कपड़ा पर कोई चीज का दाग लग गया, स्पॉट लग गया, कोई सब्जी का या दाल का, जो भी चीज का, और साबुन से धोने के बाद वह किस तरह का कलर बदलेगा, बोलिए। रेड हो जाएगा, और सूखने के बाद? और सूखने के बाद क्या होगा सर? ब्लू, सर ब्लू हो जाता है। ब्लू नो सर, नो सर, वो अपने कलर में यानी वो हट जाएगा, हटता भी नहीं है, कभी कभी वो बहुत दिनों के बाद हटता है। तो दैट मीन्स टर्मरिक जो है उसका कलर क्या है, येलो, और आप जब बेस से वह रिएक्ट किया तो रेड कलर में चेंज हो गया, ठीक है। और अगर वह एसिडिक मीडियम रहता तो येलो ही कलर रहता। तो ये इस टर्मरिक भी एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर हुआ, जिसके हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में जाएगा कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में रहेगा तो कलर चेंज नहीं होगा, यानी जो टर्मरिक का कलर है वही कलर आपको रहेगा। क्लियर? यस सर। तो यानी हम लोग टर्मरिक का, ये आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिया हुआ है टर्मरिक से रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप ये कहता भी है, क्वेश्चन भी दिया है कि हैव यू इवन नोटिस्ड What happens when soap is rubbed on turmeric stain on your handkerchief or shirt? क्या होता है? तो आपका जवाब मिल चुका होगा, नहीं तो आप करके देखेंगे घर में। थर्ड इंडिकेटर के रूप में है जूस ऑफ चाइना रोज, जिसको बायोलॉजिकल नेम है हेविकस। तो इसका भी हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। ये मैजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा जब इसको आप एसिड में डालेंगे, यानी जूस ऑफ चाइना रोज को अगर एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वह डार्क पिंक यानी मैजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको बेस में डालेंगे तो वह किस कलर में चेंज हो जाएगा? ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो अभी तक आपने तीन इंडिकेटर का यूज किया, एक लिटमस पेपर, दूसरा और विराट ये ज्वाइन करना और लॉक कर देंगे मीटिंग को, अभी लास्ट हो रहा है, ज्वाइन और लीव ये अच्छी बात नहीं है, है ना। लास्ट मोमेंट में निशांत कुमार ये सब ज्वाइन कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, वेरी बैड हैबिट्स। आप मेंटेन करो पूरे मीटिंग को, सुनने की कोशिश करो, और ये पढ़ाई हो रहा है, कोई बकवास नहीं हो रहा है। क्लियर? तो आपने तीन इंडिकेटर का यूज किया अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, एक है लिटमस पेपर, दूसरा टर्मरिक और तीसरा जूस ऑफ चाइना। अब इंडिकेटर के रूप में फिनॉल फेटेलिन है ना, ये आपको कलरलेस होते हैं, इसको जब हम एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे तो ये कलरलेस होगा, यानी नो इसका कोई कलर होगा, है ना। जब इसको हम बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, यानी चार आपने इंडिकेटर का यूज किया, है ना। एक रेड एसिडिक मीडियम में अगर लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को डाला तो रेड हो गया, दूसरा इंडिकेटर के रूप में टर्मरिक का यूज किया, टर्मरिक एसिडिक मीडियम में रहेगा तो येलो ही कलर का रहेगा, बेस में डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और
और थर्ड हम लोग जूस ऑफ चाइना की यूज किया। जूस ऑफ चाइना जो है आप अगर उसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वह मैजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो वह जो है आपको ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। पोर्ट के रूप में हम लोग फिनॉल फैटेलिन का यूज किया। और कोई प्रॉब्लम? तो ये न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको क्या क्या फॉर्म मिलेगा? प्रोडक्ट के रूप में एज ए प्रोडक्ट साल्ट एंड वाटर मिलेगा। ओके क्लियर? कोई प्रॉब्लम शिवम? कोई प्रॉब्लम शिवम? श्वेता राज, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट, तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इंडिकेटर और एक्टिविटी वन और टू लोगों ने डिस्कस कर लिया। आपको जो है नेक्स्ट आपको एक्टिविटी थ्री वह पढ़ के आना है। ये होमवर्क हो गया आपका। एक्टिविटी थ्री और एक्टिविटी फोर ये दोनों पढ़ के आना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके यस प्लीज सर। हाँ बोलो वैश्वी सागर, क्या दिक्कत है बोलो? पेपर का बस दो ही कलर होता है। हाँ दो ही कलर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसका। तो नेचुरल कलर आपको पर्पल बताया ना? यस सर। और कोई दिक्कत? हाँ नो सर। सर एक क्वेश्चन था, पूरे पूरे सेवन के सेक्शन में बस दो ही तीन बच्चे को फोर्टी आया है।